कुंड, ये पीछे नारद शिला है। अच्छा अच्छा, नीचे नारद कुंड है जहाँ से भगवान जी की मूर्ति निकली थी। किन की? नारायण की। अच्छा, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ विनीत ठाकुर और आप देख रहे हैं योगा ट्रैवलर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जो अच्छी लगी आपको तो लाइक कीजिए, और हम कोशिश करेंगे आगे भी और ऐसी वीडियो लाने की जिससे आपको देखकर और अच्छा लगे जा आपको देखकर कुछ फ़ायदा हो। तो अभी हम जा रहे हैं श्री बद्रीनाथ धाम। तो हमारी ये चार धाम की यात्रा, तीन धाम की जो यात्रा है हमारी, जो वो पूर्ण हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अभी हमारा जो एक धाम बचा है वो है बद्रीनाथ जी। तो अभी हम बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। तो ये पीछे का व्यू कुछ इस जगह का ऐसा है, चारों तरफ पहाड़ हैं, एकदम से पहाड़ है हरे भरे। वो सामने पौड़ीदार खेत हैं, वो जो पहाड़ों में जैसे खेत होते हैं, तो इधर सामने बड़े बड़े पहाड़ हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी की धाम पर, दिवाली का जो दिन है हम वहाँ पे जाके माथा टेकेंगे। तो अभी पीछे से आ रहे हैं हम केदारनाथ जी से। केदारनाथ से कल हम नीचे आ गए थे और रास्ते में रुक गए थे, रास्ते में हमें अंधेरा हो गया था। तो अभी हमने यात्रा जहाँ से स्टार्ट कर दिया, जगह का नाम याद नहीं है, कौन सी जगह जहाँ हम रुके थे, किनाना कुखीमठ, कुखीमठ, कुखीमठ के पास हम रुके थे। चोपता यहाँ से 14 किलोमीटर है तकरीबन। तो अभी यात्रा फिर से 15 किलोमीटर है चोपता यहाँ से। तीन धाम की यात्रा है जो वो हमारी पूरी हो चुकी है, अभी हमारा बद्रीनाथ जी की यात्रा है वही शेष बची है। तो अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी की ओर। और ये जो रास्ता है बड़ा ही सुंदर रास्ता है, रास्ते में आपको कई जंगली जानवर भी मिलेंगे। और ये देखिए अभी व्यू, चोपटा का ये व्यू है, अलग ही व्यू है देखने के लिए। और नज़ारा देखिए, ऐसे नज़ारे आपको रास्ते में मिलते जाएंगे। और ये जगह कैंपिंग के लिए भी मशहूर है। अगर आपने फोटोग्राफी करनी हो और पहाड़ों का व्यू देखना हो, उसके लिए ये जगह बिल्कुल एक नंबर जगह है। कम पैसों में ज्यादा मजा लेने को मिलता है, सही है नहीं? इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, इतने पैसे में इतना ही मिला, पूरा घुमा 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 के साथ। अभी जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, यह पहाड़ वो वाले हैं जहाँ पे अभी आपने थोड़ा टाइम पहले, हम वीडियो थोड़ी लेट डाल रहे हैं जी, यहाँ पे आपने थोड़ा टाइम पहले देखा सुना होगा न्यूज़ में कि मजदूर अंदर टनल में फंस गए। इन पहाड़ों के पीछे वो टनल बन रही है और दूसरी साइड निकलेगी। ये सारा कम से कम होगा 40-50-60 किलोमीटर का जो सफ़र है, ये टनल के जरिए बहुत आसान हो जाएगा। और आप ये जो अभी हमने नज़ारे आपको दिखाए पीछे जा खुद भी देखे हैं, फिर टनल के अगर आप टनल से जाएंगे तो ये सब आप मिस कर दोगे। तो इन्हीं पहाड़ों के नीचे वो टनल बन रही है जिसमें वो मजदूर फंसे थे। यहाँ पर चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और ग्रीनरी और
जो एयर क्वालिटी अब बहुत ज़्यादा नेचुरल है। और अभी हम रास्ते में जा रहे थे कि यहाँ पे एक जो चेक पोस्ट थी वन विभाग की, उसके ऊपर चढ़ के तो नज़ारा ही देखने का अलग था। पूरी चारों तरफ का नज़ारा, जो पीछे मेरे आप देख रहे हैं वो त्रिशूल पर्वत है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, हमें उस साइड ही जाना है अभी। अभी चमोली पहुंच चुके हैं और आगे का सफर जहाँ से शुरू हो गया है, चमोली से एक रास्ता ऊपर को अलग से निकलता है जो बद्रीनाथ की ओर जाता है, अभी चमोली भी है, रास्ता कुछ ऐसा है। अभी जोशीमठ जहाँ से है 45 किलोमीटर, और बद्रीनाथ है तकरीबन 80 किलोमीटर, और जब बीच बीच में रास्ता कुछ ऐसा भी आता है देख के, थोड़ा जब स्लाइडिंग हुई है रास्ते में। और अभी ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जो पहाड़ देख रहे हैं, ये जोशीमठ का ही रास्ता है। जोशीमठ के बारे में आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा या देखा होगा न्यूज़ चैनलों में, ये पहाड़ धस रहे हैं, स्लाइडिंग हो रही है, ये वही वाला ही एरिया है। अभी जोशीमठ के बिल्कुल क्रॉस कर रहे हैं हम जोशीमठ को ही। और इस जगह से जो रास्ता है वो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब को नीचे से हो जाता है, और इस रास्ते से अभी आगे का अपना सफर करेंगे। और जहाँ से जो आगे का रास्ता है वो सिंगल रास्ता है। और ये सामने जो नदी बह रही है, नीचे है अलकनंदा रिवर, और नीचे ये जाके भागीरथी में मिल जाती है, और जहाँ पे संगम पॉइंट बनता है। और ये जो सामने वाली नदी है, ये अलकनंदा है, अलकनंदा रिवर है, और ये नीचे जाके रुद्रप्रयाग में भागीरथी में मिल जाता है, वहाँ पे संगम पॉइंट भी उसको कहा जाता है, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी आपस में वहाँ पे संगम होता है। और इस जगह से फूलों की घाटी 17 किलोमीटर, और हेमकुंड साहब की जो दूरी है वो 19 किलोमीटर, और हमारा डेस्टिनेशन बद्रीनाथ 25 किलोमीटर। फूलों की घाटी आपने कई जगह पे सुना होगा इसके बारे में, ट्रैकिंग करने लोग जाते हैं, इंस्टाग्राम में रील्स डालते हैं या यूट्यूब में भी है। और आगे का रास्ता देख लीजिए, कुछ ऐसा भी है बीच बीच में। काफ़ी लॉन्ग ड्राइव करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ धाम जहां से तकरीबन सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और अभी पहुंच चुके हैं हम बद्रीनाथ अपने डेस्टिनेशन पर। पहुंचे हैं बद्रीनाथ जी के धाम पर, और अभी शाम के कितना टाइम हो चुका है, तकरीबन 5, 5:30, 6 बज चुके होंगे, और अभी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और दिवाली भी जहाँ पे मनाएंगे हम, अंधेरा होने वाला है। जहाँ पे मौसम आज सही था, धूप निकली हुई थी, और जहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, रश नहीं है। ये
और अभी हमें जो सबसे पहले दर्शन हुए हैं वो सामने जो आपको भी दिखाई दे रहा होगा वीडियो के माध्यम से वही बद्रीनाथ धाम है। और हमें अभी अंधेरा हो चुका है और यहाँ पे सामने देखिए मंदिर को पूरा सजाया गया है क्योंकि आज दीपावली है और मंदिर दूर से ही बहुत खूबसूरत लगता है। अभी चलते हैं मंदिर की ओर। हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। मंदिर के अंदर आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, जो मेन प्रतिमा है उसको दिखाना। और जो मंदिर के अंदर आके जो पीछे वाली जो बैक साइड है वहाँ पे भी ये देखिए सारा बना हुआ है दान पात्र, किसी ने जो भी दान करना हो। और लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ हवन कर रहे हैं, कोई जहाँ पे आके किसी अलग अलग मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। और ये मंदिर के पीछे वाली जो जगह है अंदर, उसके अंदर का जो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये मंदिर के बिल्कुल पीछे वाले, ये देखिए जो दीवार देखिए ये मंदिर की बैक साइड है। इधर आगे चलते हैं, इधर देखते हैं क्या है। ये पर्ची मिलती है दर्शन अंदर। संत सन्यासी है, आशीर्वाद आशीर्वाद तो अपने गुरु है जी, उनसे हमने बीज मंत्र लिया था, जिन्होंने हमने बीज मंत्र नहीं दिया था वही वही रिंग वही है। बद्रीनाथ के मंदिर के सामने बिल्कुल सबके लाने करा दो स्वामी नारायण नारायण हरि की आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी की दिवाली छठ भी दिवाली। और यह है मंदिर का नज़ारा। और अभी जहाँ से हम जा रहे हैं दिवाली मनाने के बाद मंदिर से डिनर करने के लिए बाहर, और अभी ये देखिए
कड़ाही में गरम गरम जो दूध है, और इसी जगह पे जो कृष्णा होटल है और इसके आसपास दो एक दो और होटल है, यही यहाँ पे ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ पे आप कहीं भी इस जगह पर अपना खाना खा सकते हैं, सही प्राइस और सही क्वालिटी आपको मिल जाएगी। कंपैरिजन केदारनाथ से तो काफ़ी सस्ता और अच्छा है। और अभी फिर से जा रहे हैं हम दर्शन करने, क्योंकि रात को दर्शन करने के बाद और जो हमारी पूरी टीम थी वो कह रहे हैं कि फिर से मॉर्निंग भी जाना है, और भी हम फिर से दोबारा दर्शन करेंगे और जहाँ पे जो कुंड है वहाँ पे स्नान भी करेंगे। तो चलते हैं फिर से मंदिर की ओर। सुबह का नज़ारा जहाँ पे बिल्कुल अलग है, और जैसे धूप निकली है और पहाड़ों के ऊपर धूप पड़ रही है और जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है वो ऐसे चमक रही है जैसे सोना होता है पड़ा हुआ। और देखिए अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा है, और चारों तरफ का जो नज़ारा है वो आपके सामने है। अभी हम नीचे जा रहे हैं, जो कुंड है नीचे वहाँ पे स्नान करने जा रहे हैं। वहाँ पे गर्म पानी निकलता है, तो अभी नीचे जाएंगे। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे की ओर। और ये देखिए महिला कुंड, और ये औरतों के नहाने के लिए इस एक साइड में है और दूसरी साइड तो पुरुषों के नहाने के लिए है। और ये देखिए पानी इतना गर्म है और पानी के बीच में से कैसे भाप निकल रही है, और एक साइड में बिल्कुल ठंडा पानी है जो माइनस जमाने वाला बर्फ़ वाला पानी, और एक साइड में ऐसा पानी है जो उबल रहा है जिसमें हाथ डालने से भी ऐसा लगता है कि हाथ जल जाएगा। और ये कुदरत के करिश्मे ही हैं, ये बिल्कुल गर्म पानी है बहुत ज़्यादा। पूरा आपको नीचे सारे हर एक साइड से घुमाने की दिखाने की कोशिश करेंगे हम और खुद भी। और नीचे सामने देखिए किनारा कुंड है, ये कौन सा बाबा जी? ये है नारद, ये पीछे नारद से लाए। अच्छा अच्छा, ये नीचे नारद कुंड है जहाँ से भगवान जी की मूर्ति निकली थी। किनकी? नारायण की। अच्छा अच्छा, असली वो असली मूर्ति है, ग्रह मूर्ति जो है ना। हाँ जी, नारद कुंड में थी। अच्छा जी, नीचे हाँ ये सीढ़ी है वो मंदिर में रखी हुई है। मंदिर वहाँ से नीचे से आती है तो आदि गुरु शंकराचार्य ने वहाँ से निकाल के वहाँ से आ गए। अच्छा, वहीं तो शंकराचार्य जी ने किया है इसका भी, कुछ शंकराचार्य का आदि गुरु शंकराचार्य जी ने निकाल के वहाँ स्थापित किया। शंकरा नहीं नहाना चाहिए कुंड में, क्यों तो नहीं नहाना चाहिए? और नहाने के लिए मेन वो ठंडा है। शंकराचार्य जी ने इसका मंदिर का उत्पन्न किया, स्थापित वहाँ किया, कुंड से निकाला, भगवान की विग्रह जो मूर्ति है वहाँ स्थापित। हमें नीचे पुजारी जी से पता चला कि उन्होंने बताया कि जो मंदिर के गर्भ कुंड में जो मूर्ति रखी हुई है गर्भगृह में, वो नीचे नारद कुंड से निकली हुई है। वहाँ से शंकराचार्य जी ने वहाँ से उस मूर्ति को निकाल के और मंदिर के गर्भगृह में रखा हुआ है। बुरा आएगा।
टाइम भारत का प्रथम गांव माना। तो अभी हम जा रहे हैं जिसे हिंदुस्तान का पहला गांव माना गया है, माणा गांव। तो ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसके नीचे बिल्कुल पहुंच चुके हैं अभी हम माणा गांव। इससे फिर वो स्टार्ट हो जाता है क्या बॉर्डर? बॉर्डर तो बॉर्डर आ गया 40 किलोमीटर से। डिस्टेंस देख लीजिए जहाँ से कितना कहाँ का है। दिल्ली का है 543, फाजिल का 825 और इसके आगे तो जाने नहीं देते। आर्मी है, चाइना बॉर्डर भी इधर दूर पड़ता है थोड़ा, मतलब इधर साइड ही पड़ता है, पीछे आगे आम किसी को नॉर्मल जाने की परमिशन नहीं है और इसके लिए चाहिए आगे जाने के लिए परमिशन। मुझे वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए, पहला आइकन भी दबाइए ताकि और वीडियो आए तो आपको पता चलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।